तपसी आज हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। भारत की सेना की सामरिक विजय के बाद एक ये बड़ा बदलाव है। हम इसके लिए खुशी व्यक्त करते हैं, अभिनंदन का देश अभिनंदन करने को तैयार है। लेकिन इसी के साथ हम पाकिस्तान से ये भी मांग करेंगे कि आप अगर सही दिशा में सोचते हैं तो जैश मोहम्मद के ऊपर कार्रवाई करिए, ताकि भारत को विश्वास हो सके कि हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे मेरे दोस्तों, हम भारत कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच शत्रुता का, दुश्मनी का समर्थक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान से टेरर कैंप चल रहे हैं तो उन्हें समाप्त करने के लिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो पाकिस्तान के जो प्रधान हैं इमरान खान, वो जिस प्रकार से अभिनंदन को भेज रहे हैं, हम उसके लिए उनका थैंक्स करते हैं। लेकिन साथ ही हम उनसे बोलना चाहते हैं कि आप पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों के लिए निंदा तुरंत करिए। आपने अभी तक उसकी निंदा नहीं की। आप जैसे मोहम्मद के ऊपर कार्रवाई करिए, भारत को विश्वास हो जाए, फिर हम बातचीत भी करें। मसूद अजहर और हाफिज सईद को भी क्या इसी तरह वो आप मांग करेंगे जो उन्हें भी भारत को सौंपा जाए? हम लगातार बोल रहे हैं कि अगर इन आतंकी और आतंकी कैंपों के खिलाफ पाकिस्तान खुद ही एक्शन लेने लगे तो भारत से बड़ा समर्थक भी उनका कोई नहीं होगा।